द सिंगर क्लब ने होटल ग्रैंड में उड़ान संगीत संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने मोहम्मद रफी के गीतों को गाया, जिन्हें श्रोताओं ने खासा पसंद किया। श्रोता झूम उठे। द सिंगर क्लब ने होटल ग्रैंड में उड़ान संगीत संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने मोहम्मद रफी के गीतों को गाया, जिन्हें श्रोताओं ने खासा पसंद किया। बॉलीवुड के लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफी को समर्पित संगीत के इस कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा वादा कर ले जाना युगल गीत को दर्शकों ने खासा पसंद किया। द संगीत क्लब के अध्यक्ष विक्रम शुक्ला ने बताया कि क्लब समय समय पर शहर के उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करने का काम करता रहता है। आज यह कार्यक्रम मोहम्मद रफी को समर्पित है। जो शहर और शहर के आसपास के जो छुपे हुए हुनरमंद हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिलता अपनी गायकी का, या उनके दिल में भी एक हुक है कि वो स्टेज पे परफॉर्म करें और जैसे प्रोफेशनल गाते हैं उस तरह से गाएं, तो इसमें हर उम्र के लोग हैं हमारे साथ, मेल फीमेल सभी हैं। 70-80 साल तक के परफॉर्मर्स हैं जो अपने एफर्ट कर रहे हैं और जो गाने को और म्यूज़िक को जी रहे हैं। और हमारी संस्था का यही एक, द सिंगर्स क्लब का यही एक उद्देश्य है कि संगीत और संगीत के प्रेमियों का जितना भी हम बेटरमेंट कर सकते हैं या समाज तक पहुंचा सकते हैं, यही एक छोटा सा प्रयास है। और मैं नहीं समझता हूं कि उनके चहेतों ने कभी भी किसी भी समय, जब भी उनका जन्मदिन हो और उनका पुण्यतिथि हो, तो उसमें उनको स्मरण ना किया हो। और मोहम्मद रफ़ी साहब का आगरा भी 60 के दशक में आना हुआ, तार घर के अंदर उन्होंने महफिल सजाई थी और उनकी यादें भी जो आगरा से जुड़ी हुई हैं वो तरोताज़ा हो जाती हैं। मैं निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हूँ कि आगरा के कलाकार जो विविध क्षेत्रों से हैं और कई कार्य अलग अलग विधाओं में कार्य करते हैं, वो आके अपनी श्रद्धांजलि उस महान गायक को दे रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि विक्रम साहब ने जो प्रोग्राम आज किया है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू आगरा। और जो संगीत है वो एक डिवाइन चीज़ होती है, सुकून के लिए होती है, और मोहम्मद रफ़ी जी को ये लोग कर रहे हैं, दिस वंडरफुल, और इसको जीवित रखना चाहिए। और मैं, यही मेरी आशा है और गुड विशेस है दैट यू कंटिन्यू दिस वंडरफुल वर्क इन टाइम्स टू कम। मैं सिंगर क्लब से करीब एक साल हो गया मुझे जुड़े हुए, और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो लोग सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बताया जाता है, सिंगिंग के तरीके, ट्रिक्स बताई जाती हैं, टिप्स बताई जाती हैं, एक्सरसाइज कराई जाती है, तो इससे लोगों का खुल जाता है, गाने का तरीका आ जाता है उनको, और एक स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। बड़ा अच्छा है, बहुत इसमें जानकार लोग बीच बीच में आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ देते हैं लोगों को, बड़ा लाभदायक है ये। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का द सिंगर क्लब के अध्यक्ष विक्रम शुक्ला ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।